السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم जमान साहब, हम लोग समान का नेटवर्क जो प्रॉब्लम दे रहा है, शायद प्रॉब्लम दे रहा है, हम लोग से कट हो गए। जी हुजूर, माशा नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह, आप तमाम हज़रात जैसा मालूम है कि आज प्रोग्राम नकीब हिंदुस्तान आशिक-ए-उस-ए-आज़म आसिफ सैफी साहब ताब गरी वो हमारे सामने मौजूद हैं। खानकाह फरीदिया की तमाम बिरादरान की जानिब से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हुजूर के आप हमारे पेज पे तशरीफ लाए। तो आज के प्रोग्राम में आप हैं जमन कलकत्ता साहब, मुजफ्फर अरबी साहब। हमें बहुत खुशी हुजूर आप हमारे पेज पे तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका एहसान अजीम है कि आपने मुझे अल्लाह से कह के ये तौफीक दिलवाई है कि हुजूर के जिक्र के लिए आज मुझे खानकाह शरीफ में एक
चाकर की हैसियत से आने की तौफीक अल्लाह ने बख्शी है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप ममनून और मशकूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जमन भाई को मैं कॉल कर रहा हूँ। जमन भाई को मैं कॉल कर रहा हूँ। जमन भाई को मैं कॉल कर रहा हूँ। कॉल कर रहा हूँ। आवाजें शायद तमाम तर आपके मेहमानों की अभी साफ तरीके से एक दूसरे से बगलगीर नहीं हो पाई हैं, लेकिन स्क्रीन पर डॉक्टर ताबिश रजा ताबिश साकिबला वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु आजमगढ़ से मौजूद हैं। मैं शुक्रगुजार हूं और गालबन मोहतरम शमशाद रजा साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु भाई मोहतरम अली रजा साकिबला कटिहार से भी मौजूद हैं। मैं मोहम्मद अनवर साहब किबला वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु मुझे अपने इन दोस्तों के शहरों के नाम नहीं मालूम है, लेकिन आप सब की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एहतिशाम खान साहब किबला हमजदी गालिबन हुजूर सदरुल शरिया की दीवारों के साए की परवरदा आवाज़ें जनाब मुहतरम शाह रजा साहब किबला बहुत बहुत शुक्रिया वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। देखें ये तमामी जो मेज़बान और मेहमान हैं किस लम्हे में इंशाअल्लाह हमारी निगाहों के सामने आते हैं और फिर हम खानकाह फरीदिया के फ्यूज़ो बरकात को इखलास के साथ हासिल करने में कामयाब होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई मोहम्मद अवेज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह इस्लामपुर गालबन दीनाजपुर के करीब है वहाँ के नूरी प्रेस के मालिक अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु माशाल्लाह। मैं इंतज़ार में हूँ तमाम मेज़बानों की आवाज़ें मुझे मिलें और आप सबको मिलें। आप अगर नाजरीन हैं तो सामईन बने, सामईन हैं तो नाजरीन बने माशाल्लाह। शादाब रज़ा साफिल्ला सिद्दीकी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आलमगीर शोहरत याफ्ता हामिल शख्सियत के मज़ार मोहतरम जावेद सिद्दीकी साहब किबला के शहजादे बहुत अच्छी और खूबसूरत शायरी करने वाले हसास और दर्दमंद दिल रखने वालों में शामिल हैं और परवरदिगार आलमीन की शायरी का जो पैनल है उसको और वसी फरमाए उससे हुजूर की सीरत को आम फरमाए। मैं इंतज़ार में हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शादाब भाई सरकार मौलाए कायनात की शहादत उज़्मा और फिर फतेह मक्का की मैं मुबारकबाद आपको न दे सका। सरकार मौलाए कायनात की शहादत के सदक़े में दुआ करें अल्लाह हमारे गुनाहों की गुनाहों को शिकस्त दे। मौलाए कायनात के जिक्र मुबारक के तुफैल में हमारे नफ्स को शिकस्त दे। आपकी दुआएं मेरे साथ शरीक सफर हैं। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम फियाज आलम साहब किबला मैं स्क्रीन पर अपने तमाम तर मेज़बान और मेहमानों को देखना चाहता हूँ कि जिनकी वजह से मैं इससे पहले था और अब है के जुमरे में दाखिल हो गया हूँ। मुल्क बैरून मुल्क जितने भी नाजरन होंगे वो आज बड़े खुशकिस्मत होंगे कि आज फिर उनको खानकाह फरीदिया से फरीदी नेटवर्क के जरिए से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र की सूरतें पैदा करने की रब ने तौफीक अता फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गालिबन 10:20 हो रहे हैं मेरी घड़ी में और मैं इंतजार कर रहा हूँ हुक्म दे करम फरमाया मियाँ मैं आपके हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ जी मतलब माशाल्लाह मदारी साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु माशाल्लाह सलमान साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु
वक्त मियां हुजूर ज्यादा हो रहा है, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं मशवरतन चाहता हूं। आवाज टकरा रही है, आवाज ज्यादा टकरा रही है जी। सरकार गौसे आजम करम फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह जलीली शान अज़ीमुल बुरहान शदीदी सुल्तान माशाअल्लाह का नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। या अल्लाहुल महमूद फी कुल्ली फ़ालिही, या अल्लाहुल महमूद फी कुल्ली फ़ालिही, या अल्लाहुल महमूद फी। استغفر الله كل الذنوب يا ستار يا غفار بحق حضرت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم। استغفر الله كل الذنوب يا ستار يا غفار بحق مخدوم الكائنات ومولى الكائنات وسركاران الحسنين الكريمين علي رحمه رضوان। استغفر الله كل الذنوب يا ستار يا غفار بحق شيخ عبد القادر جیلاني روح الروحاني روح رباني محي الدين شيخ عبد القادر جیلاني يا روحي يا قلبي يا نور يا غوث الاعظم يا باز الشب يا مخدوم محي الدين شيخ عبد القادر جیلاني। بسم الله الرحمن الرحيم। ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا نورك محمد وعترته وبارك وسلم بعدد كل معلوم لك بعدد كل معلوم لك بعدد كل معلوم لك। الحمد لله رب العالمين। وهي رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कमारी पाक मरियम व नफख्त फीह कादम, है अजब निशान आजम मगर आमिना का जाया। वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तर नाजरीन समाप्त कर रहे हैं इस गुफ्तगू को, और कुछ ऐसे भी खुशकिस्मत लोग हैं जो फरीदी नेटवर्क के जरिए से इस गुफ्तगु को समाप्त कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं तमामी इन अपने मोहसिनीन को बहुत बहुत उनकी बारगाह से दुआओं की कटोरी को लेकर के अपने बच्चों की नशोनुमा के लिए मैं कासे गदाई लेके खड़ा हूँ। दुआ करें इसमें अपनी मोहब्बत की खैरात वो उंडेल दें। आइए दोस्तों, बताना चाहता हूँ कि आज हम और आप जिस अजीम प्लेटफॉर्म पर, जिस अजीम ग्राउंड में, जिस अजीम मैदान में बैठे हुए हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो अजीमुश्शान खानकाह है, वो अजीमुश्शान दरबार है, वो अजीमुश्शान ड्यूढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के की बेटी है मखदूम कायनात, और उनके शौहर हैं मौलाए कायनात, उनके बड़े बेटे हैं सरकार इमाम हसन, उनके छोटे भाई हैं इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबदीन, फिर इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़िम। फिर ये सिलसिला ट्रांसफ़र होता है सरकार ख्वाजा मारूफ करखी की तरफ, सरकार ख्वाजा मारूफ करखी, फिर सरकार शेख सिरी सिख्ती, उनके मुरीद खलीफा शेख जुनेद बगदादी के मुरीद और खलीफा शेख अबू बकर शिबली, उनके खलीफा शेख अबुल फरात तूसी, उनके खलीफा शेख अब्दुल वाहिद तमीमी। फिर ये सिलसिले मुबारक पहुंचता है शेख अब्दुल वाहिद तमीमी से लेकर के शेख अबुल हसन तक, शेख अबू सईद मखजूमी तक। फिर यही सिलसिले क्रम पहुंचता है सैयदना शाह इमामुल औलिया, इमामुल अब्दाल, इमामुल अबरार, इमामुल अतकिया, इमामुल नुकबा, इमामुल औलिया, सैयदना शाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह नूर करम तक, बारगाह सरकार गौसे आज़म के फ़ुज़ो बरकात को ये समेट करके यही सिलसिले इश्क जब आगे बढ़ा गौसे आज़म के आपकी जो औलादे हैं उनमें से एक बेटे हैं आपके शेख अब्दुल रज़ाक शाह साहब क़िबला अली रहमतुल रिज़वान, जिनकी मज़ार मुबारक बगदाद शरीफ में दरिया दजला के किनारे ज़ाहरी तौर पर बरकतें हासिल करने के लिए यूँ तो नज़र नहीं आती, लेकिन वो दायरे मोहब्बत करीब से महसूस कर सकते हैं जहाँ आपकी मज़ार मुबारक शेख अब्दुल रज़ाक शाह अली रहमतुल रिज़वान की है। उनका सिलसिला इश्क जुल्फ मोहब्बत के तरीके से दराज हुआ तो इसके कैदी हुई है सैयदना अशाह शेख अहमद सरहिंदी, सरहिंद शरीफ, ताजदार सरहिंद शरीफ,
मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बड़े खास लाडले। फिर वही सिलसिला इश्क जब आगे बढ़ा तो इमाम अलौलिया सैयदना शाह शेख सूफी आबादानी रहमतुल्लाह तआला अलैहि से होता हुआ सैयदना अशाह इमाम उरफा शेख फरीउद्दीन रदी अल्लाह तआला अन्हु। याद रहे कि ये वो शेख फरीउद्दीन अत्तार नहीं है जो तज़किरतुल औलिया के मुसन्निफ हैं, लेकिन उस शेख फरीउद्दीन अत्तार का फैज़ पाया है खानकाह जोगिया शरीफ के इस शेख फरीउद्दीन अत्तार रदी अल्लाह तआला ने। आपके जहन में अगर शेख फरीउद्दीन अत्तार का नाम होगा तो मैं भाई शादाब सिद्दीकी साहब किबला की तरफ से इस खानकाह के शयूख हजरात की तरफ से इस खानकाह के तमाम तर मुकद्दस नफूस कुदसिया की तरफ से जब सैयदना अशाह सूफी आबादानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के फैज़ो करम की कुलाह को सर पे सजाने वाली शेख फरीउद्दीन रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम की बरकतें मिल रही हैं, तो आइए इससे पहले यह नाम एक और अजीम बुजुर्ग के हिस्से में आया था जिनको तज़किरतुल औलिया लिखने का शरफ हासिल हुआ था। 95 या 99 बुजुर्गों की दास्तानों पर मुज़य्यन ये किताब कई जबानों पर इस वक्त मालामाल है और मैं ये समझता हूँ कि बड़े बड़े स्कूल में ये किताब दाखिले निसाब भी हो चुकी है और तकरीबन हर घरों में ये किताब उस शाख कहते हैं कि नजर आनी चाहिए। शेख फरीउद्दीन अत्तार नाम है फरीउद्दीन, अत्र फरोश थे, इत्र बेचते थे और दिल की दुनिया में तब्दीली नहीं थी, हिरसो हवस की तरफ माइल था, मालो मता की तरफ जहन बड़ा माइल था और बाकी दुनिया की तरफ से बेरगबती थी, फानी दुनिया से लव लगाए हुए थे शेख फरीउद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह। इत्तेफाक से उनके दिल के बदलने का वक्त आया, उनके जहनो जमीर की तब्दीली का वक्त आया। उनके दुकान पर एक शख्स आया, भीड़ बहुत थी, उसने कहा कि मुझे भी फला इत्र इतने पैसों के अता कर दीजिए, मुझे दे दीजिए। तो शेख फरीउद्दीन अत्तार उनकी बातों को अनसुनी करते रहे और वो उनका लिबास बड़ा फटा पुराना था, उनको अहमियत भी न दी गई, वो लाइन में खड़े रहे और धक्के खाते रहे, कीमती लिबास वाले आते रहे, पैसे देते रहे और इत्र लेके जाते रहे। जब बहुत देर हो गई तो उस कलंदर नुमा शख्स को, उस फकीर नुमा शख्स को जलाल आ गया। उसने कहा, फरीउद्दीन अत्तार तुमने इत्र की दुकान खोल रखी है, बहुत देर से मैं तुम्हारी दुकान पर खड़ा हूं, एक शीशी मुझे इत्र चाहिए, तुम इत्र क्यों नहीं देते? तो शेख फरीउद्दीन अत्तार ने फरमाया था कि चुपचाप लाइन में खड़े रहो, समझे आप, अपनी औकात में रहो, लाइन में खड़े रहो, देख रहे हो कि मैं इतना बिजी हूं, इतना मसरूफ हूं। इतना सुनना था कि शेख फरीउद्दीन अत्तार से उस शख्स ने कहा, अरे फरीउद्दीन इतने मसरूफ हो गए, इतने बिजी हो गए, तो जब तुम मुझे इत्र नहीं दे सकते तो जान कैसे दोगे, जब मुझे इत्र नहीं दे सकते तो जान कैसे दोगे। इतना सुनना था कि शेख फरीउद्दीन अत्तार ने फरमाया कि जैसे तुम अपनी जान दोगे ना वैसे मैं भी अपनी जान दूंगा। इतना सुनना था, उस फकीर को जलाल आ गया, उसने अपने रुपए पैसे को झोले में रखा और अपने सर से पगड़ी निकाली, उसको अपने जमीन पर रखा और उस झोले को तकिया बनाया, जमीन पे ये कह के लेट के इंतकाल कर गए, मैं तो ऐसे ही जान देता हूं, मैं तो ऐसे ही जान देता हूं, मैं तो ऐसे ही जान देता हूं। उस फकीर के इस उठाए हुए कदम से इतना धचका लगा शेख फरीउद्दीन अत्तार को कि जो बाकी दुनिया की तरफ माइल नहीं थे, इस जुमले ने, उस फकीर के इस किरदार ने उनको बाकी दुनिया की तरफ जाने पर माइल कर दिया। और यही वो जुमला था जो शेख फरीउद्दीन अत्तार के सच्ची तौबा का सबब बना। आज उस जात का जिक्र जोगिया शरीफ की अजीम बारगाह के शेख कामिल के नाम की निस्बतों से हमें करने का शरफ हासिल हुआ है। दुआ करें कि परवरदिगार आलम उस जात का जो फैज़ हुजूर सैयदी अशा इमामुल औरफा शेख फरीउद्दीन रदी अल्लाह तआला जोगिया शरीफ को हासिल है, मेरे मौला वही इनाम वही बरकतें हम सबको भी अता फरमा दे। ये वो शेख हैं आला हजरत सरकार के दौर में, आला हजरत सरकार के दौर में के ये बुजुर्ग हैं, हम असर हैं इमाम अहले सुन्नत फाजले बरेलवी के। बड़ा याराना था, रूहानी तौर पर इन दोनों बुजुर्गों का मिलन देख करके लोग कहा करते थे कि जन्म के बिछड़े गले मिले हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आला हजरत सरकार की इल्मी नियाबत का हक अदा करने वाली ये सूबे बिहार की अजीम खानकाह के इन शुयूखान मोहतरम को, बिलखसूस पीर तरीकत सैयदना अशाह बाबू मोहम्मद सईदैन कादरी फरीदी नूरी शाह साहब किबला को, और सैयदी अशाह हुजूर सकलेन मियां शाह साहब किबला कादरी फरीदी नूरी को, हुजूर सैयदी अशाह शाह सालिक मियां शाह साहब किबला कादरी फरीदी नूरी को, और हुजूर साहिब सज्जादा के शहजादे उनके बेटे सैयदी अशाह शेख सिप्तैन फरीदी मियां शाह साहब किबला मेरे सामने गालबत आ रहे हैं, उनके चेहरे की ज्यारत का शरफ। हुजूर बख्दूमी शौकीन फरीदी शाह साहब किबला और हरमैन फरीदी शाह साहब किबला, ये इस खानदान के वो गुलो बूटे हैं
जिनकी खुशबू दूर तक उनके अखलाक को अमल की वजह से, रूहानियत की वजह से फैली हुई है। आइए दुआ करते हैं परवरदिगार आलम सूबे बिहार की इस खानकाह के दरबार का हम सबको जारोकश बनाए, हम सबको इस दरबार का फकीर बनाए। जहां तक आपको मालूम है ये इसी दरबार की खुशा चीनी का सबका है। गालबन मुजफ्फर आरवी साहब मेरी आवाज को सुनने के लिए, मोहतरम जमन कलकत्तवी साहब और सगदी शेख सिप्तन फरीदी साहब किबला स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, मेरी आवाज पहुंच रही है मियां? जजाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बात कर रहा था उस दरबार के उन लालो गोहर की, मैं बात कर रहा था उस दरबार के हीरों की, मैं बात कर रहा था उन दरबार से मस होने वाले उन छोटे छोटे पौधों की जो शजराए मोहब्बत के तौर पर अब नजर आ रहे हैं। जैसे ये खानकाह शरीफ वो जात है जिसने पैदा किया है एक हीरा जो सरकार सुरकाही शरीफ के नाम से है, जो सरकार चांदपुर फतेह शरीफ के नाम से है। अगर किसी को खानकाह फरीदिया के फ्यूज़ो बरकात को देखना हो तो सरकार सुरकाही शरीफ की चौखट पे चला जाए, सरकार चांदपुर फतेह शरीफ के दरबार में चला जाए। मैं पहली मरतबे सरकार सुरकाही शरीफ सरकार खानकाह फरीदिया के लाडले की बारगाह में गया था तो मुझे शेख इब्राहिम बिन अधम की याद आई। अगर इजाजत हो तो अपनी उस याद आवरी के पन्ने को मैं पलटूं। मैं नाजरीन की तरफ से भी इजाजत चाहता हूं और हुजूर सगरी शेख सिप्तैन फरीदी मियां शाह साहब क़िबला से, ताकि सामईन को मालूम हो जाए उस दरबार के जर्रों का जब ये आलम है तो उस दरबार में आसमानी सिफत रखने वाली शख्सियात का आलम क्या होगा। सरकारे सुरकाही शरीफ इसी दरबार की बरकत को हासिल किए हुए हैं, सरकार सुरकाही शरीफ इसी दरबार की बरकतों को लिए हुए हैं। अल्लाह अकबर, मुझे सरकार सुरकाही शरीफ की एक बात याद आती है। नाजरीन समाप्त कर लें, कोई नई बात नहीं है लेकिन शायद इस वक्त हमारे लिए एक नई बात हो। आपकी आदत करीमा थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो किरदार अपनाया था जो किरदार हलाल खाने की तरफ हमें माइल करता है। इन बुजुर्गों ने सरकार खानकाह फरीदिया ने इन्हें जो घुट्टी में जाम इश्क पिलाया था वो जाम इतना खूबसूरत था, इतना कीमती, इतना लजीज था कि वो जब सरायत कर गया तो हलाल की तरफ इस कदर मायल हुए कि हराम दीवारों के करीब से नहीं गुजरते थे, हराम पेड़ों के करीब आराम भी नहीं करते थे, हराम जहनियत के मालिकान से कोसों दूर रहा करते थे। यह है सरकार सुरकाही शरीफ। खान कहे फरीदिया का फैज तकसीम हुआ तो देखें कैसे कैसे लालो गवाहिर नजर आए, अल्लाह के लालो गवर नजर आए। मैं एक गुजारिश करता हूं, देखें आप इस अरीजे को, यही है सरकार तेगली शाह, इस दरबार की खुशा चीफ, इस दरबार के चाकर, इस दरबार के जारोपकश, इस दरबार के लाडले, इस दरबार के शयूख के नूरे नजर अपने कीमती सवारी के साथ जो एक खच्चरनुमा एक घोड़ा था उसके साथ सफर फरमा रहे थे। तवील सफर तय करने के बाद जब मंजिल पर पहुंचे मुरीदीन के पास तो आपने फरमाया कि अपने मुरीदों से कि आप मेरे लिए खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं ना तो मेरे जानवर के लिए भी थोड़ा बहुत इंतजाम कर दीजिए, मेरे जानवर के लिए भी थोड़ा बहुत इंतजाम कर दीजिए। लोगों ने अपने शेख की बात पर अमल किया। देखें खानकाह फरीदिया की तालीमात का असर देखें, बारगाह फरीदिया जगियापुर शरीफ के दरबार के फ्यूज़ो बरकात को देखें, जो उसके करीब से गुजरा वो मुसाफिराने हरम में शामिल हो गया, जिसने उस दरबार को देखा गुंबद खदरा देखने वालों के सब में शामिल हो गया, जिसने उस दरबार होने का शरफ हासिल कर लिया आज उसके दरबार में खिदमत करने के लिए बड़े बड़े उलमा नजर आते हैं, बड़े बड़े मशायख नजर आते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सरकार खानकाह फरीदिया के शेख का तालीम का असर देखें, फरमाते हैं सरकार तेग अली शाह साहब क़िबला मेरे जानवर के लिए भी खाने पीने का इंतजाम करो। एक गुलाम दौड़ा हुआ गया, उसके लिए भी चारा वगैरह लेकर के आया, उसे खिलाया। थोड़ी देर के बाद लोग दौड़ करके सरकार तेग अली शाह की बारगाह में आए। इस कली से पता लगाइएगा कि जब कली का यह आलम है तो पूरे गुलाब के पौधे का आलम क्या होगा जो जुगिया शरीफ में मौजूद। लोग दौड़े हुए सरकार तेग अली शाह की बारगाह में, सरकार गजब हो गया, सरकार अजीब गरीब क्यामत टूट पड़ी। फरमाया क्या बात है? कहा हुजूर आपका जानवर जमीन पर गिर पड़ा, जो आपकी सवारी है वो जमीन पर गिर पड़ी, वो जो आपका घोड़ा था वो जमीन पर आ गया, उसके मुंह से पानी निकल रहा है, उसकी मौत किसी कैफियत आ गई, पता नहीं कैसी उसकी बीमारी जाहिर हो गई। दौड़े हुए सरकार तेग अली शाह साहब क़िबला आए और अपनी सवारी के करीब बैठ गए। सुने, अपनी सवारी के करीब बैठ गए, आपने उसे सहलाते हुए अपने मुरीदों की तरफ देख के फरमाया था जरा ये बताओ ये मेरी सवारी बीमार कैसे हो गई, इसके मुंह से ये पानी ये खून क्यों निकलने लगा, वजह क्या है? लोगों का हुजूर मुझे नहीं मालूम, हुजूर मुझे नहीं मालूम, हुजूर मुझे नहीं मालूम। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं कि ये बताओ कि मेरी सवारी बीमार कब हुई, कैसे हुई? किसी ने कहा हुजूर बस चारा ला के दिया था,
घास ला के दिया था, जैसे उसने इसका इस्तेमाल किया अचानक बीमार पड़ गई। सरकारे तेग अली शाह साहब किबला खड़े हो गए। आपने फरमाया चारा कौन लाया था? देखे शादाब भाई, मियां हुजूर देखें आप, जमन भाई, मुजफ्फर भाई देखें आप, फिर ये आवाज जहां जहां तक पहुंच रही है, मैं हाथ जोड़ गुजारिश करता हूँ, ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो तफरीह तबाह का सामान हो, ये ऐसी कोई महफिल नहीं है जो हमारे वक्त को पास करे, ये ऐसा कोई स्टेज नहीं है जिसमें हमको सुबह करनी है और सुबह को नजराने लेके चले जाना है, ये खालिस इखलास वाली महफिल है, हुजूर के जिक्र की महफिल है, ये खालिस वो महफिल है जिस महफिल में हम अपनी दिल की दुनिया बदल सकते हैं, जिस महफिल में हम अपने आज ही तब्दीली के लिए ऐलान कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये गुलाम कहता ये बताओ चारा लाने वाला कौन था? वो आ गया, उसने कहा हुजूर मैंने घास लाने में कामयाबी हासिल की, चारा मैं लेके आया था। फरमाते हैं जरा ये बता वो घास तूने मेरे ला करके मेरे जानवर को दिया वो घास कहां से लाया? उसने कहा हुजूर पड़ोस के खेत से लाया। पड़ोस के मियां हुजूर मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है, ये आसिफ भाई आपकी आवाज मिल रही हमें। कहते हैं कि हुजूर ये पड़ोस के खेत से लाया हो। सरकारे सुर जज़ाकअल्लाह, सरकारे सुर काही शरीफ फरमाते हैं जरा ये बता कि जिस खेत से तू लेके घास को आया है, ये आपकी आवाज मिल रही हमें, आवाज मिल रही है। शुक्रिया शुक्रिया। जिस खेत से तूने ये घास लाने में कामयाबी हासिल की है वो खेत क्या तेरा है? उसने कहा नहीं। कहा तेरे पड़ोस का है? कहा नहीं। कहा फिर किसका है? गांव के फला शख्स का है। तो सरकारे तेग अली शाह फरमाते हैं ये बता क्या तूने उससे पूछा, उससे तूने पूछा इजाजत मांगी उससे? कहा नहीं। तो आप चीख मार के रोने लगे, रब की बारगाह में सजदा रेज हो गए, बोले ऐ मेरे मौला गलती से मेरे जानवर को हराम खिला दिया गया, गलती से धोखे से मेरे जानवर को के बदन में हराम लहू तैयार कर दिया गया है, अरे मेरे मौला माफ कर दे, ये खता इनसे सरजद हुई है, माफी मैं मांग रहा हूं, अरे मेरे मौला जैसे मैं हराम लहू से बचना चाहता हूं मेरा जानवर भी बचना चाहता है, हराम मौत नहीं मरना चाहता, मेरे मौला माफ कर दे, इस जुर्म की सजा मुझे दे दे मेरे मौला, मेरे इस जानवर को सेहत याबी अता फरमा दे। फरमाते सुन मैंने खानकाह फरीदिया से अगर कुछ सीखा है तो यही सीखा है कि हलाल खाओ और हलाल खाने की तलकीन करो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फरमाते जैसे मैं हराम चीज से नफरत करता हूं, मैं जिस सवारी पर बैठता हूं वो सवारी भी हराम चीज से दूर रहने की कोशिश करती है। अल्लाह अकबर। आज हमारे ज़हन और ज़मीर पर इस तरीके से हराम का गलबा आ गया कि अब हमें नेक बातें नहीं अच्छी लगती है, हुजूर की बातें हमें नहीं अच्छी लगती हैं, हुजूर का जिक्र हमें रास नहीं आता। उसकी वजह यह है कि हम हलाल से दूरी अख्तियार कर चुके हैं, हम हराम की तरफ माइल हो गए हैं, अब हमें पाक साफ गिजा नहीं चाहिए, अब हमें अच्छी और साफ सुथरी गिजा नहीं चाहिए, दौलत हो किसी तरीके से हो, मालूम मता हो किसी तरीके से हो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मालूम है आज मैं फरीदी नेटवर्क के जरिए से 10-20-50,000-2,000 लोगों को ये बात पहुंचाना चाहता हूं और हाथ जोड़कर पहुंचाना चाहता हूं, सुने ये बिहार शरीफ की इस खानकाह का पैगाम सुने, इस दरबार के लालो गौहर का ये आलम है। क्यों सरकार सूफी आबादानी अली रहमत रिजवान ने सरकार शेख फरीदीन शाह को कौन सा वो अजीम शान जाम पिलाया था कि उनके लाडले हराम काम करने वालों की महफिल से अपने आप को अलग किए हुए हैं, वो भी महफूज होते हैं, उनके जानवर भी महफूज रहते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि इनका सिलसिले इश्क उन बुजुर्गों तक पहुंचता है जिन बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग का नाम सरकारे इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह। सरकारे इब्राहिम बिन अदहम, बात जब हलाल खाने की आई है तो मेरी जबान पर इब्राहिम बिन अदहम का भी नाम आ गया। मैं सरकारे मौलाए कायनात के हवाले से भी अल्लाह की तौफीक से कुछ बातें उनकी मर्जी के मुताबिक कर सकता हूँ। फतेह मक्का का दिन गुजरा है, मैं इस हवाले से भी कुछ बातें कर सकता हूँ। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले मौला अली सरकार की हयात मुबारका के बहुत सारे पहलुओं पर अल्लाह की तौफीक से इन मुकद्दस नाज़रीन और सामईन के कदम के सदके में कुछ बातें मैं कर सकता हूं, लेकिन एक दो बातें जो शायद अचानक मेरी ज़बान पर आ रही है मेरे दिमाग के रास्ते से, तो मैं चाहता हूं कि इसी को संवार लें ताकि खानकाह फरीदिया का एक खूबसूरत पैगाम। देखिये सरकार तेग अली शाह का ये पीर खाना है नेटवर्क का, समझ रहे हैं आप? देखिये शेख इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े अल्लाह के वली, यमन के रहने वाले थे, बल्ख यमन के रहने वाले थे, और आपने बादशाहत को ठोकर मारी थी और फिर आप तशरीफ लाए थे मक्का शरीफ, एक अजीम शेख के नाम से वाबिस्ता हुए और फिर रब के दुआओं में शामिल हो गए।
बहुत गौर से मेरी बात को सुने, और ये भाई मोहतरम सारी वकील साहब जितने लोग मौजूद हैं नाज़रीन के तौर पर, मैं स्क्रीन पर आपका तस्करा नहीं कर पाऊंगा, अल्लाह ताला सब पर करम फरमाए। सुने ये इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह ताला अलैहि की जात है, इब्राहिम बिन आदम की जात मुबारका है, काबे का तवाफ कर रहे हैं, अल्लाह के बहुत बड़े वली है, बहुत बड़े अल्लाह के वली है, काबे का तवाफ कर रहे हैं, तवाफ काबा करते वक्त दो लोग जो गिलाफ काबा से खड़े थे उनमें से एक ने एक से कहा आप इनको जानते हो, उसने कहा नहीं, कहा नहीं जानते, ये इब्राहिम बिन आदम है, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, तारिकुस सल्तनत हैं, इन्होंने बादशाहत को ठोकर मारी है, बादशाहत को ठोकर मारी है, ये बलख यमन के रहने वाले थे, मक्के शरीफ में आए हुए हैं, फकीरी दरवेशी अख्तियार किए हुए हैं, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। जब थे कहा तो दूसरे ने कहा कि क्या कहा आपने, ये बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, हाँ हाँ इसका मतलब है नहीं, कहा नहीं, क्यों, उसकी वजह यह है, देखिये अब्दुल कादिर साहब किबला और अतार मुस्तफ़ा साहब मेरी बात को समाप्त करें, और भाई मुजफ्फर साहब आज मैं आपको सुनना चाहता हूँ उस कलाम को, मेरे बहुत से मोहसिन हैं जो आप उस कलाम को सुनेंगे, इस कलाम को समाप्त करके इंसान के दिलों में खौफ खुदा पैदा होता है, इंशाल्लाह बात जल्द खत्म हो जाएंगी, दुआ करो ये लम्हा जल्द का जल्द आ जाए माशाल्लाह। इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह ताला अलैह वो दो में से कहते हैं इनको इब्राहिम बिन हम रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, बहुत बड़े अल्लाह के वली, लेकिन इनकी विलायत छीन ली गई, इनकी विलायत छीन ली गई, एक ने कहा क्यों छीन ली गई, क्यों छीन ली गई, तो दूसरे ने कहा कि मालूम नहीं आपको, कहा नहीं, कहा कल ये मक्के शरीफ की खजूरों की मार्केट में खजूरें खरीदने के लिए गए हुए थे, अरसलान भाई खजूरों की मार्केट में खरीदने के लिए गए हुए थे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, खजूर खरीदने के लिए गए, स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं अमन भाई हुजूर मियां, ये बगदाद शरीफ के अजीम शेख शेख अब्दुर्रहमान शाह साहब किबला की है, इनकी पैदाइश गौसा की बारगाह में हुई है, शेख अब्दुर्रहमान शाह साहब, इनकी तस्वीर मुबारक रजा रजाउल साहब किबला की स्क्रीन पर, आप इनकी ज़ियारत कर लें, बगदाद शरीफ के बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, अलहमद साहेब कश्म और साहेब करामत बुजुर्ग हैं माशाल्लाह। मैं ये कह रहा था इब्राहिम बिन आदम के बारे में, एक कहता है कल ये मार्केट में गए, खजूरों की मंडी में गए थे और खजूर खरीदने के लिए गए थे, लेकिन उसको ये इत्तेफाक खजूर इब्राहिम बिन आदम जी, जजाकल्ला इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक ने कहा कि खजूरों की बागात खजूरों की मंडी में गए और खजूर बेचने वाले से आपने एक लोग खजूर तलब की पैसे दिए, लेकिन जब वो खजूर तौल रहा था, दमन भाई मेरी जिंदगी का एक बड़ा कीमती इशारा आपके लिए, मुजफ्फर भाई समाप्त कर ले मेरी मेरी हयात जी 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 हजरत, एक ने एक से कहा कि वो जब खजूरें तौल रहा था ना, तो चार खजूरें ज्यादा इब्राहिम बिन आदम के तराजू की तरफ रख दी, तराजू का पल्ला नीचे आ गया, इस तरफ खजूरें थी, चार खजूरें एक्स्ट्रा खजूरें उसने ज्यादा रखी, इब्राहिम ने पैसे दिए और खजूरें लेके घर के अंदर आ गए, चार खजूरें ज्यादा लेके जब घर के अंदर दाखिल हुए, वो खजूरें घर के अंदर दाखिल हुई और विलायत घर से बाहर चली, विलायत घर से बाहर चली गई, चार खजूरें मांगा भी नहीं, छीना भी नहीं, दबाव भी नहीं बनाया, बस वो तौल रहा था, तराजू का जो पल्ला था वो झुका हुआ था, आपने मना नहीं किया और उन चार खजूरों को लेकर के आप वापस अपने घर में आए, जैसे घर में दाखिल हुए खजूरें घर में दाखिल हुई, विलायत घर से बाहर निकल गई, इतना सुना तो इब्राहिम बिन आदम कांपने, मैं नाजरीन से गुजारिश करता हूं अपनी तरफ इशारा करके कि हम करेंगे, हराम खा के हमने अपनी सेहत बना ली है, हराम खा के हमने अपने बच्चों की परवरिश की है, हराम अपने बच्चों को खिला खिला के हुजूर की मोहब्बत से दूर कर दिया।
दिया और आप अपने बच्चे अल्लाह की महफिल से दूर कर दिया। ये जरा सोचें कि अपने अंदर तब्दीली कब लाएंगे, हलाल खाने की कोशिश कब करेंगे। इब्राहिम बिन अदम के पास विलायत थी, चार खजूरें खाने की वजह से विलायत छीन ली गई। अगर हमारे कौल के मुताबिक हमारे पास इस्लाम है, हमारे मोहब्बत है, अगर ये हराम और हलाल की तमीज हम ना कर सके तो मैं ये समझता हूं कि हमारे पास एक दौलत है जिसे हम खुद साख्ता अपनी जबान से कहते हैं ईमान, जिसे मोमिन होने की अलामत कहते हैं। इब्राहिम बिन अदम की विलायत चली गई तो हो सकता है कि अगर हम हराम से बचते ना रहे, हलाल की तरफ मायल ना हुए, तो हमसे ईमान छीन लिया जाए, इश्के रसूल छीन लिया जाए, हुजूर की मोहब्बत छीन ली जाए। ये वजूद जो 6-7 फिट का है ना, कि जो दंडनाता हुआ जमीन पर फिरता रहता है ना, ये बर्फ की सिल के तरीके से हो जाएगा, जो सिल आहिस्ता आहिस्ता पिघल जाएगी। ये वो नमक है जो साहिल समंदर के करीब आहिस्ता आहिस्ता समंदर के दामन में जाके जज्ब हो जाता है। तो दोस्तों, ये इब्राहिम बिन अदम इतना सुना तो रोने लगे, कांपने लगे, अपना तवाफ जल्दी से मुकम्मल किया और घर गए। घर जाने के बाद चार खजूरें ली और चार खजूरें लेकर के सीधे खजूरों की मंडी में गए। खजूर बेचने वाले को चार खजूरें वापस की और वापस करने के बाद फिर काबे के साये में आए और गिलाफे काबा थाम के रोने लगे, अरे मेरे मौला तेरा है, मेरे मौला तेरा शुक्र है, अरे मेरे मौला तेरा करम है कि तूने इब्राहिम बिन अदम को हराम खाने से बचा लिया, तूने इब्राहिम बिन अदम को आज मेरे मौला तूने अपने करम के साये में रख लिया, दो बुजुर्गों ने मेरी हिदायत की दुआ की है मेरे मौला, अल्लाह पर उनका साया दराज फरमा मेरे ऊपर, अरे मेरे मौला तेरा फजल है कि मैं हराम ये कह के रो रहे थे। अचानक वो दोनों बुजुर्ग फिर आ गए, आपस में बातें करने लगे, फिर एक ने कहा, लग रहा है कि इब्राहिम बिन अदम ने खजूरें वापस कर दी है, रब ने विलायत वापस कर दी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक गुजारिश करता हूं मैं तमामी नाजरीन से, मुल्क बैरून मुल्क बातों को सुनने वाले भाई शादाब सिद्दीक और भाई महबूब साहब किबला और खानकाह फरीदिया जुगिया शरीफ बिहार के तमाम तर शयूख हजरात, एक बात करना चाहता हूँ, अगर आप मानने के लिए तैयार हो जाएं तो मैं उसे आपकी समातों के मेज पे रखूं। वो अरीजा हुजूर सैयदी सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला का है, फरमाते हैं कि हुजूर का नाम गैरों के घर में कैसे पहुंचाओगे, हुजूर का नाम दुश्मनान दीन के घर तक कैसे पहुंचाओगे, हुजूर का जिक्र तुम मुसलमान हो हुजूर की उम्मत हो ये पैगाम कैसे पहुंचेगा, नहीं पहुंच सकता जब तक तुम हुजूर के किरदार को ना अपनाओ। मैंने कहा हुजूर वो कैसे, आप फरमाते हैं तुम कुछ ना करो, तुम कुछ ना करो, सिर्फ इतना करो, बाजार जाओ, लौकी है, भिंडी है, सेब है, संतरा है, कोई भी सामान खरीदो, जब सामान देने वाला तुम्हारे तराजू के झुके हुए पल्ले की तरफ सामान ज्यादा तोलने लगे तो उससे हाथ जोड़ के बोलो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझसे पैसों में रियायत करें लेकिन सामान मुझे ज्यादा मत दो, मुझे सामान ज्यादा मत दो, एक ग्राम मुझे ज्यादा मत दें, हो सके तो 10-20 ग्राम आप कम तौले वो मैं कबूल करता हूं, मैं उसे माफ करता हूं, लेकिन खुदारा खुदारा आप 1 ग्राम भी, एक अंगूर का दाना भी मुझे ज्यादा, एक अंगूर का दाना। वो आपसे कहेगा क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ये कहिएगा कि मुझे मेरे हुजूर ने मना फरमाया, मदीने वाले आका ने मना फरमाया, मदनी आका ने मना फरमाया है, हुजूर की तालीम ही, हुजूर का कौल यही है, मैं मुसलमान हूं और मैं अपने घरों में ऐसी चीज लेके नहीं जाना चाहता जिससे मेरे बच्चों को माजूर होने में आसानी हो, जिससे मेरे बच्चों को बीमार होने में आसानी हो, जिससे मेरे बच्चों को रोने बिलकने में आसानी हो, मैं ये चाहता हूं कि मैं हलाल खाऊं और मेरे बच्चे बीमार ना पड़े। अगर कल से मैं गोवा की जमीन पर था, एक होटल की टेरिस पर प्रोग्राम हो रहा था, मखसूस लोग पढ़े लिखे लोग थे, उनके सामने मैंने ये पैगाम दिया, हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं फिर वही पैगाम आज से आज आपको, मैं कहता हूं कि अगर आपने और हम सब ने मिलकर के किसी एक दुकान पर सामान के खरीदते वक्त सिर्फ ये कह दिया कि भाई ज्यादा मत देना मुझे, एक दाल का दाना, एक चावल का दाना भी मेरे तराजू के पल्ले पे झुका हुआ नजर ना आए, कम देना वो चलेगा, मुझे ज्यादा नहीं, 2-4, 10 दाने, 2-4 ग्राम मौत नहीं आ जाएगी, पेट तो अल्लाह भरने वाला है, मालूम है क्या होगा उसका फायदा, बता दूं जमन भाई, हुजूर मियां सिप्तैन शाह का बता दूं, उससे फायदा ये होगा, वो गैर मुस्लिम, वो हिंदू ताजिर
वो अपोजिशन जमात का शख्स जब सामान बेच करके घर वापस जाएगा ना, अपनी बीवी और अपने बच्चों से कहेगा, आज मेरी दुकान पर मोहम्मद का उम्मत में होने का ऐलान करने वाला मदीने वाले आकाश का एक गुलाम मेरे दरवाजे एक मुसलमान आया था। बीवी कहेगी क्या हुआ? वो कहेगा मेरी दुकान पर मुसलमान आया था, उसने हाथ जोड़ के कहा था कि भाई मुझे कम देना, उन्होंने कहा ज्यादा एक दाना भी नहीं चलेगा। मैंने पूछा क्यों, तो उसने कहा मेरे नबी ने मना फरमाया। आज मुझे इतना अच्छा लगा कि इस्लाम मजहब इतना इंसानों के चरित्र का ख्याल रखता है, इतना इंसानों को हलाल की तरफ माइल करता है। खुदा की कसम अगर आज मेरी बात को 10,000 लोग दो दिन में सुन लें, दो दिन में 10,000 लोग सुन लें, और यही 10,000 जब मार्केट में जाएं, अगर इनमें से 2,000 लोगों ने सामान खरीदते वक्त ये कह दिया भाई सामान ज्यादा नहीं देना, सामान ज्यादा मुझे नहीं देना, बिल्कुल बराबर देना, कम देना वो चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा, तो खुदा की कसम इन 10,000 लोगों में 2,000 लोगों ने अगर ये कह के सामान लेके अपने घर वापस आ गए, वो तो घर वापस आ जाएंगे, लेकिन हुजूर का दीन दुश्मनों के घर पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। हुजूर की मोहब्बत दूसरों के घर तक पहुंच जाएगी, मुशरिकीन के दरवाजे हिल सकते हैं, उनके कुफर का सूरज गुरूब हो सकता है, उनकी बदनीयती का ताक के ताक पर जलता हुआ चराग बुझ सकता है। समझ रहे हैं आप? मैं गुजारिश करता हूं आप लोगों से हाथ जोड़ करके, ये खानकाह फरीदिया का वो अजीम शान पैनल है, वो अजीम शान नेटवर्क है, जिसके जरिए से बहुत सारे लोग इस वक्त मेरी बातों को समाप्त कर रहे हैं। बात सुय इत्तेफाक हलाल की तरफ से निकली तो कहां से कहां चली गई, कहां से कहां चली गई। मेरे चचा हैं डॉक्टर मोहिउद्दीन साहब किबला, उन्होंने आज सरकारे बिशर हाफी की बात की, इत्तेफाक से अगर इजाजत देंगे तो शायद ये मेरी आखिरी बात होगी, बात निकल गई इधर, वरना मैं फतेह सरकारे मौलाए कायनात के दरबार को मैंने देखा, वहां का पूरा नक्शा मैं बयान करता, और फिर इंशाल्लाह किसी मौके पर अगर हुजूर सगीरी शेख सिफ्तैन फरीदी मियां शाह साहब किबला हुक्म देंगे, मैं जरूर इनके दरबार में जारोकश की हैसियत से आऊंगा। ये बहुत बड़ा ये अजीम शान दरबार है, बहुत बड़ी ड्योड़ी है, साहिब सज्जादा के नालैन को सर पे सजाता हूँ, और हुजूर सगीरी मियां शाह साहब किबला की तरफ से सलाम नियाज पेश करता हूँ उस दरबार में। आखिरी बात करता हूँ कि आप क्या करें, लोग तो चाहते हैं कि हम बड़े बन जाएं, चाहे हराम खा के, हम दूसरों की पैसे को लेकर के बड़े बन जाएं, छीन करके बड़े बन जाएं, वरगला के बड़े बन जाएं, दूसरों की जेब से पैसे निकाल के बड़े बन जाएं, ड्रामा दिखा के धोखे में लोगों की निगाहों को रख करके बड़े बन जाएं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं गुजारिश करता हूं कि अगर कोई बड़ा बनना चाहता है तो उसके लिए बड़ा बनने का रास्ता क्या है, बस ये गुजारिश सुने आप, देखें आप धोखा देकर के पैसे मारो, किसी के जेब से पैसे निकाल कर अपने बच्चों की परवरिश करने वालों, दूसरों की बिक्री की दुकानों को हसस नफरत से देखने वालों, दूसरों की बिल्डिंगों पर भी बदनीयती की निगाही की स्टीकर को चस्पा करने वालों, मेरी बातों को सुनो, तुम इतने मायूस क्यों हो जाते हो खुदा के होते, तुम इतने नर्वस क्यों हो जाते हो खुदा के, तुम्हारा दिल क्यों जाता है होते हुए। अल्लाह अकबर, जिस खुदा ने तुम्हें मां के पेट में पाला, किसने वहां तुम्हारी परवरिश की है, काली कोठरी में 5 महीने रखा, तुम्हारे क्लाइमेट का ख्याल रखा फरिश्तों ने, तुम्हारे खाने पीने का ख्याल रखा फरिश्तों ने, तुम्हारी छोटी छोटी नाजुक उंगलियां तैयार की फरिश्तों ने, मां के पेट में तुम्हें जिंदा रखा है, वो जमीन पर तुम्हें भूखा नहीं मारेगा। बात इत्तेफाक से सरकार शेख फरीउद्दीन रहमतुल्लाह तआला के नाम से चली जो क्या शरीफ की, तो सरकार सुरकाही शरीफ और फिर शेख अत्तार और फिर सरकार इब्राहिम बिन अदम, और बात अब देखो कहां जाके पहुंच रही है, शायद ये रब की मर्जी है। मैं एक आखिरी बात करता हूं, उसके बाद मैं बैठा रहूंगा इंशाल्लाह, मेरे इन खूबसूरत खानों से नाते भी मुझे समाप्त करनी है इंशाल्लाह। डॉक्टर ताबिश साहब किबला लाइन पर हैं, और भाई मोहतरम राहुल साहब मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। देखें आप, हम अगर खुदा को याद करें तो धोखा देने वालों को शिकस्त दे सकते हैं, अगर दिल से अल्लाह उसके रसूल की तरफ हम माइल हो जाएं, अल्लाह उसके रसूल का इनाम किस कदर हमारे ऊपर साया करेगा आप वो देखें। आपको मालूम है दरबार है औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला ने, उनके नाम पर आप दिल से ही सुभान अल्लाह कहते हैं, माशाल्लाह दिल से कहते हैं माशाल्लाह, सुनने वाले और तमाम औरंगजेब आलमगीर का नाम सुने, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आपके दरबार में एक शख्स आ गया, अल्लाह माफ फरमाए कि उसको भी गलत तरीके से लुक्मा खाने की पड़ गई थी आदत, उस
کا مزاج بڑا بدلا ہوا تھا, اللہ کا خوف دل سے نکلا ہوا تھا اور فانی دنیا کی طرف مائل تھا. دنیا کی مینٹیننس اسے بڑا بہت راس آتی تھی, دنیا کی تمام تر یہ تزئین کاری میں وہ ڈوبا رہتا تھا. اللہ اکبر, آ گیا شیخ اورنگزیب بادشاہ کے دربار میں. اس نے کہا بادشاہ سلامت, میں ایک عریضہ لے کر کے آیا ہوں. تو بادشاہ نے کہا تیرا عریضہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا حضور میں ڈرامے میں رہتا ہوں, میرا کام ہے لوگوں کو تماشا دکھانا. کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ میں روپ بدلنے کا ہنر جانتا ہوں, میں روپ بدلنے کا ہنر جانتا ہوں. غالباً عرب شریف سے محترم رضوان صاحب بھی ہیں اور شریف سے محترم اویس صاحب اور کوثر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا. میں گزارش کرتے ہوئے اپنے چینل کے حوالے سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. دیکھیں آپ ناظرین, صحبت کا اثر دیکھیں. اورنگزیب کے دربار میں وہ شخص آیا, اس نے کہا بادشاہ سلامت, میں روپ بدلنے کا, میں چہروں کے بدلنے کا میں فن سیکھ چکا ہوں, میں فن سیکھ چکا ہوں. اگر میں ڈاکٹر ہوں تو میں چاہوں تو میں عالم بن جاؤں اپنے چہرے پر, میں اگر چاہوں درویش بن جاؤں, میں اگر چاہوں مسافر بن جاؤں, میں اگر چاہوں تو عورتوں کے لباس میں آ جاؤں, میں اگر چاہوں تو معذور انسانوں کا روپ اختیار کر لوں, میں روپ بدلنے کا ہنر جانتا ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو میں جاؤں اور پھر دو چار ہفتے کے بعد روپ بدل کر کے آؤں. بادشاہ اورنگزیب نے کہا جاؤ, وہ چلا گیا. تین چار ہفتے کے بعد وہ روپ بدل کر کے آیا. روپ بدل کر کے آیا تو بیٹھا تھا بادشاہ کے دربار میں. بادشاہ نے سب کا تعارف کرواتے کرواتے اس تک پہنچا, اورنگزیب عالمگیر کا اشارہ اس تک ہوا. تو اورنگزیب نے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا حضور آپ مجھے نہیں پہچانتے. اچانک اورنگزیب نے کہا میں پہچان گیا, تو وہی بہروپیہ ہے, تو وہی بہروپیہ ہے جو روپ بدل کر کے یہاں پر آیا ہوا ہے. اللہ اکبر, تو وہی بہروپیہ ہے جو روپ بدل کر کے یہاں پر آیا ہوا ہے. وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضور آپ مجھے پہچان گیا, میں نے بہت محنت سے روپ بدلا تھا. بادشاہ نے کہا میں پہچان گیا. تو اس نے کہا حضور اجازت دیجیے میں ایک مرتبہ اور اپنا روپ بدل لوں. تو بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں, جا روپ بدل کیا. ایک مہینے کے بعد آیا, پھر بادشاہ نے پہچان لیا. بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اسے پھر پہچان لیا. جب پھر پہچان لیا تو وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت, میں معذرت چاہتا ہوں, آخری مرتبے آپ سے ایک عریضہ پیش کرتے ہوئے مہلت مانگتا ہوں, ایک چانس مجھ کو اور دے دیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے دربار کا انعام میرے مقدر میں ہو, میں ایک چانس اور آپ سے مانگتا ہوں اپنے روپ کے بدلنے کا. چلا گیا اپنے استاد کے پاس. بڑی محنت سے اس نے دو مہینے میں اپنے پورے ہوئے کو بدل دیا, پورے چہرے کی حیت کو بدل دیا, ناک نقشے کو بالکل اس نے بدل دیا. اس کے استاد نے کہا, اپنے استاد سے اس نے کہا, جو چہرہ آپ نے مجھے کر دیا ہے چہرے کو تو آئینے میں بھی نہیں پہچان پاؤں گا. اللہ اکبر. چلا گیا بادشاہ کے دربار میں, بیٹھا ہوا تھا. لیکن جیسے وہ پہنچا بادشاہ اورنگزیب نے اس کو دیکھ کے فرمایا, او تم تو وہی بہروپیہ ہو, روپ بدل کر کے آئے ہو. وہ کھڑا ہو گیا اور رونے لگا. اس نے کہا کہ حضور میں معافی چاہتا ہوں, بڑی کوشش کی میں نے تین مرتبہ انعام کے دربار کا انعام میرے مقدر میں نہ رہا, اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دے, میں جا رہا ہوں. وہ باہر نکل پڑا. چیپٹر کلوز ہو رہا ہے, بات آئی گئی ختم ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد یہی اورنگزیب عالمگیر ہے جو حیدرآباد میں ایک قلعہ ہے جسے گولکنڈہ کا قلعہ ہے. حیدرآباد کے اس گولکنڈہ کے قلعے پر اورنگزیب عالمگیر نے اٹیک کیا. جب اٹیک کیا تو فوج کو شکست کا سامنا ہوا. پھر اٹیک کیا تو پھر فوج ہارتی گئی. بڑی محنت کرتے رہے اورنگزیب کی فوجیں, لیکن کارگر ثابت ہوئی ان کی فوجوں کے حملے. جنگ شکست ہی میں تبدیل ہوتی رہی, فتح یابی نہیں. ایک شخص نے کہا حضور, سپتین میاں شاہ صاحب کے اشارے سے بتا دو, ایک شخص نے کہا حضور آپ قلعے پر حملہ کر رہے ہیں, اسی قلعے کے قریب ایک پہاڑ ہے, اس پہاڑ کے اندر ایک غار ہے, اس غار میں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے, چل کر کے پہلے اس سے اجازت مانگتا ہے,
उससे दुआ की दरखास्त की जाए, क्योंकि इलाका उसी का है, यहाँ उसी की हुकूमत चलेगी। अल्लाह इतना सुना औरंगजेब पहाड़ की चोटी पर गए, गार के अंदर पहुंचे, एक दरवेश बैठा हुआ था, एक फकीर बैठा हुआ था, एक फकीर बैठा हुआ था, एक अजीब गरीब लिबास का फटा लिबास का पुत वहां पर नजर आया। बादशाह ने उसे सलाम किया, उसे गर्दन झुका करके जवाब दिया। बादशाह औरंगजेब ने कहा कि दूर आप दुआ फरमा लें, इलाका आपका है, जमीन आपकी है, कि मुझे आपके इस इलाके में कामयाबी मिल जाए। तो उस फकीर ने अपने हाथों को उठा के दुआ की, औरंगजेब जाओ तुम्हें इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। आकर के औरंगजेब आलमगीर ने जब अटैक किया तो अल्लाह की मर्जी थी कि उनका के किले पर इस्लामी झंडा लहराने लगे, हुजूर के गुलामों को फतेहयाबी मिली और फिर बादशाह की फौज कामयाब हो गई, सत्तारेज हो गई। अल्लाह अकबर। बादशाह ने अपनी फौज को तरतीब से उस किले का इंतजाम संभालने के लिए दिया और बादशाह ने कहा कि मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। एक शख्स ने कहा कि बादशाह सलामत, जरा उस फकीर का शुक्रिया तो अदा कर ले, इसकी दुआ से आप गोल क्या बात का आलम लहरा रहे हैं। अल्लाह अकबर। बादशाह सलामत, कहानी खत्म हो रही है। देखें, कोई रब की तरफ माइल होता है तो रब का फैजान उसे घेर लेता है, कोई अल्लाह उसके रसूल की बारगाह वो कदम बढ़ा के तो देखे, खुदा की कसम रब रहमत इंतजार में, कोई अपने मुसल्ले पर आज की रात आके तो देखे, कोई तो ये कहे फरीदिया नेटवर्क किसे सुनने वाला, अरे मेरे मौला अगर मैं बच गया इस वायरस से, कोरोना वायरस की जद से बच गया, तो अरे मेरे मौला मैं इंशाल्लाह आज से तौबा करता हूँ, अब कभी हराम नहीं खाऊंगा। कोई तो आज से ये वादा, कोई तो वादा कर ले दोस्तों, कसम खुदा की वादा करने वाला अगर कहीं खुदा नखास्ता किसी बड़ी परेशानी का शिकार भी हो गया तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी ये परेशानी हुजूर की सुन्नत के उसे करीब कर देगी इंशाल्लाह। हुजूर के गुलामों उसे ईमान हुसैन की कुर्बानी का फैज मिल जाएगा और अगर उसकी दुआ कबूल हो गई अल्लाहु अज़ीम, उसका ये इरादा करना कबूल हो गया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये महफिल भी कबूल हो गई है। देखें, बादशाह और नोटों की गड्डियां लिए हुए थे, सोने चांदी के जेवरात भी थे, खाना वगैरह भी था। बादशाह पहुंच करके उस फकीर के दरबार में उसकी कदम बोसी की, उस पहाड़ की चोटी में जो गार गार के अंदर पहुंच करके बादशाह ने उसको सलाम करके कदम बोसी की और कितने नजर उसके कदमों में रख दिया। बादशाह ने कहा कि हुजूर आपकी दुआ से इस्लामी झंडा सामने के किले पे लहरा रहा है, हुजूर आपकी दुआ से हुजूर को जीत हुई है, आपकी दुआ से हम कहा कि हुजूर आज कामयाबी के साथ में सजदा रेज है। इतना सुनना था गर्दन को उठा करके एक जुमला कहा। सुने, दुनिया के जिन जिन मुल्कों में दुनिया के इस सबसे बड़े झूठे इंसान की लोग बातें समाप्त कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सुने आखिरी पॉइंट, इसका टर्निंग पॉइंट। उसने अपनी गर्दन को उठा के कहा कि बादशाह सलामत, बादशाह औरंगजेब आप मुझे पहचानते हैं, आप मुझे पहचानते हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि बादशाह ने कहा नहीं, तब उस फकीर ने कहा मैं वही बहरूमिया। फकीर ने कहा मैं वही बहरूपिया हूं, मैं वही बहरूपिया हूं। इतना सुनना था कि बादशाह के कान खड़े हो गए, अजीब हैरत की आलम में उसे देखने लगे। फरमाया तो बहरूपिया ड्रामे दिखा के रूप बदल बदल के लोगों की तफरी का सामान बनने वाला, अजीब गरीब हरकतों सकनात से लोगों के पैसे अपनी जेब में ट्रांसफर करने वाला, हलाल कमाई से दूर रह करके हराम की तरफ माइल होने का बिजनेस करने वाला, ए दरवेश ये क्या हुआ? औरंगजेब जिसने तुझे अपने दरबार से 3 मरतबे पहचान करके बाहर निकाला हो, आज वही औरंगजेब तुझे पहचान न पाया और आज तू इतने बड़े मनसब पर है, इतने बड़े ओहदे पर है, इतने बड़े स्टेटस पर है, इतने बड़े मेयार पर है, इतनी बड़ी विलायत की चोटी पर है कि औरंगजेब जैसा बादशाह तुझसे दुआ के लिए कह के गया था, तेरी दुआ पे जंग फतेह हो रही है, तेरी दुआ पर कुफार को शिकस्त और हुजूर के गुलामों को जीत नसीब हो रही है, ये बता उसकी वजह क्या है, ये बता उसकी वजह क्या है। इतना सुनना था कि वो फकीर रोने लगा। उसने कहा बादशाह सलामत, 10 साल की मेहनत थी मेरी रूप बदलने के हवाले से, बहरूपिया बनने के हवाले से, रूप कैसे बदला जाए, 10 साल उस्ताद से मैंने सबक सीखा, मैंने मेहनत की और रूप पे रूप बदलता रहा, लोगों को धोखे देता रहा, खेल तमाशे करता रहा और फिर अपनी अपने खाने पीने का इंतजाम करता रहा, आपके दरबार में गया तो मेरा रूप का बदलना वो काम ना आया,
मेरा वो फन बेकार हो गया। आपने कहा मैं तुझे पहचान गया, तीन मरतबे मैं बाहर निकला, मैंने सोचा अब क्या करूं, मेरा फन तो बेकार हो जाएगा, अब मैं कहां जाऊं, मेरे फन की कोई कीमत नहीं है। बस मैंने सोचा हुजूर सिपैन मियां शाह साहब किबला और हजरत के वालिद मखदूम सगीदी अशा बाबू मोहम्मद सईदैन कादरी फरीदी नूरी शाह साहब किबला के नालेन मेरे सर का दान, अल्लाह इस बड़ी ड्योढ़ी के बड़े मालिकान के सदके में ये भी सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। और फैजुल गुरबा की तो इदारे की मैंने ज्यारत की है, जिस इदारे की संग बुनियाद हुजूर दरबार नूर के तवसुल से बरेली शरीफ के ताजदार ने रखी है, लेकिन मैं मियां हुजूर से गुजारिश करता हूँ आप दुआ फरमा दें, लॉकडाउन इतने दिनों तक के लिए खुल जाए कि मैं आपके दादा हुजूर की बारगाह में आमीन। मैं उस दरबार में झाड़ू लगाना चाहता हूँ, मैं उस दरबार के कुत्तों का झूठा खाना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बड़ी खिदमत की है। कहानी खत्म हो रही है, इतना सुनना था तो औरंगजेब ने कहा फिर क्या हुआ, तो वो बहरुपिया कहता है मैं तुम्हारे दरबार से निकला तो निकल करके मैंने सोचा कि मेरा रूप का बदलना, मेरा बहरुपिये का रूप, मेरा बहरुपिये में आना ये अब काम नहीं कर रहा, ये शूट नहीं कर रहा है, ये बेकार जा रहा है ये मेरा फन। तो मैंने सोचा कि ऐसा करते ना, अब बादशाह को तो मैं वरगला ना सका, बादशाह को मैं बहका ना सका, बादशाह मेरी बातों में तो आया ना, ऐसा करते ना अब पब्लिक को बहकाते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं, आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। मैंने सोचा कि वो क्या करें, मैंने फैसला किया कि झूठे मक्कार लगाबाज आमिलीन के तौर पर, वो लोग जिनके दिल में खौफ नहीं खुदा का, वो लोग जिनको भी मुंह दिखाना है वो ये भूल चुके हैं और तावीजात के नाम पर अजीब गरीब तरीके से लोगों से पैसे लेते हैं, अजीब गरीब तरीके से वो अपनी मंडी बनाए हुए हैं, एक दुकान सजाए हुए हैं, बुखार और जुकाम की दवाओं के लिए भी एक तावीज लिख के देंगे तो 10-20 हज़ार रुपए का मुतालबा करते हैं। माशाल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं इन मुकद्दस खानकाहों से मैं पैगाम देना चाहता हूँ, आइए सबक सीखें। लोग 200 रुपए हासिल करते हैं, खुदा की कसम अगर सब्र कर ले उन्हें रब मिल जाए, उन्हें रब मिल जाए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उस दरवेश ने कहा, बस इतना मेरा खत्म हो रहा है, उस दरवेश ने कहा कि मैंने सोचा कि मैं जुब्बा पहन लूं, एक बड़ी तस्बीह ले लूं, अपने लंबे लंबे बालों को रख लूं और फिर खड़ा हूं लकड़ी की चप्पल पहन लूं और फिर मैं इस पहाड़ में आके एक बर्तन में पानी लेके सूखी रोटियां लेके बैठ जाऊं और अल्लाह 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 का विर्द करता रहूं। लोग भेड़ बकरियां चराने के लिए आते हैं, मेरी आवाज को सुन के मेरे दर मेरे पिंजरे में मेरे गार में आएंगे, वो समझेंगे मैं कोई अल्लाह का वली हूँ, मेरा हाथ पांव चूमेंगे, मैं उनसे खाना तलब कर लूंगा, वो भी आएंगे, फिर वो झूठी दुकान मेरी चलेगी, लोग मुरीद होने लगेंगे, फिर हटो बचो के नारे लगेंगे, फिर मेरा इस्तकबाल होगा, मेरे कदमों के नीचे लोगों की जुल्फे बिछाई जाएंगी, मेरे कदमों के नीचे पांव के दुपट्टे बिछे होंगे, मेरे कदमों के नीचे लोग फूल बिछाएंगे और फिर मैं लोगों के दिलों पे हुकूमत करूंगा, उनके घर के मालिक मैं हो जाऊंगा, उनके जमीर और जर्फ का मैं मालिक हो जाऊंगा, उनके खेत खलियान का मैं मालिक हो जाऊंगा, सिर्फ पैसों पर मैं सोने के लिए कामयाब हो जाऊंगा, नोटों की घंटियां मेरे पैरों के नीचे होगी, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, रहूंगा इस गुफा में लेकिन एक बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा। बस ये बुरा इरादा लेकर के आए बादशाह औरंगजेब, मैं इस पहाड़ की गुफा में आया, जैसे ही कुछ दिन मैंने तस्बीह लेकर के रात के अंधेरे में अल्लाह 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 पुकारता रहा, हुआ ये कि नकल करते अल्लाह अल्लाह नकल करते करते मुझ पर असल गालिब आ गया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, नकल करते करते मुझ पर असल गालिब आ गया, मैं तो लोगों को धोखा देने के लिए आया था, फिर ये हुआ कि धोखा मेरे दिल से अल्लाह ने निकाल दिया, पहले मैं दोस्तों को अपने करीब करना चाहता था, अब आलम यह है कि रब ने मुझे अपने करीब कर लिया है, नकल करते करते असल गालिब आ गया, मैं जमीन से आसमान पर उठा लिया गया, मैं कांटों से गुलाम बना दिया गया, मैं पत्थरों से मोम बना दिया गया। अरे औरंगजेब जो दौलत जो पैसे ये लोग मेरे पास लेके आए हो ना, अगर मैं अपनी एड़ियां रगड़ दूं ना, अगर मैं अपनी एड़ियां रगड़ दूं, इससे ज्यादा सिक्के सोने चांदी के मेरे पैरों की ठोकर से निकलने लगे, क्यों, इसलिए कि अब मुझे वो परवरदिगार मिल गया है जिसने कायनात की तखलीक फरमाई है, मैं दुनिया मांगने निकला था और करम कर दिया उस परवरदिगार आलम ने कि आज मैं वो हूँ कि मेरी दुआ पर तुम्हें जंग में जीत नसीब हो रही है। अल्लाह हू अकबर, घाटे का सौदा किया हमने, अल्लाह के को अल्लाह के फजलो करम को छोड़ करके दुनिया का सौदा किया हमने,
دنیا کا سودا کیا ہم نے, اپنی قبروں کی تیرگی کو فراموش کر اپنے گھروں کو سجاتے رہے, اپنے گھر آنگن کی خوشیوں کو ہم اضافے کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے, لیکن ہم بھول گئے کہ میدان محشر میں حضور کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے, ہم بھول گئے کہ میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں ہمیں جانا بھی ہے. تمام تر آدم علیہ السلام سے لے کے دم سے لے کے صبح قیامت تک کے لوگوں کے سامنے مجھے وہ گناہوں کی فائل بھی پڑھنی ہے جو چھپ کر کے میں نے اپنی بیوی اپنے بچوں کے سامنے سے چھپ کر کے کیا ہے, وہ جرم جو میں نے کیا ہے میں یہ سمجھتا تھا کوئی نہیں دیکھتا, وہ جرم ہی اس ڈائری میں لکھا ہوگا اور اسے اللہ اس کے رسول کے سامنے میں کیسے پڑھوں گا, ذرا سوچو تو صحیح. آئیے دوستو قبر کی تیاری کے لیے توبہ کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو میں 50 منٹ کے قریب گفتگو میں آج حلال کی طرف ذہن مائل ہوا اور سرکار مولائے کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت عظمیٰ کے حوالے سے یہی موضوع اختیار کیا ہے, جبکہ میری خواہش تھی کسی اور ٹاپک پر, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صاحب بارگاہ خانقاہ فریدیہ کا یہ سب تھا, اور ایک میسج کے طور پر اگر کسی کے ذہن و ضمیر پر کوئی بات لگی ہو تو میں اس سے گزارش کروں گا کہ کل سے حلال کے لیے, حلال کھانے کے لیے, حلال کا بھی رہی, اگر پیسے نہ ہو تو رب کی بارگاہ میں تنہائی میں عرض کرے اے میرے مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے تیرے, میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے تیرے, اے میرے مولا میں بچوں کی ایڑیاں اس وقت زمین سے چپک گئی ہیں, میرے بچے تڑپ رہے, میرے مولا تو رب العالمین ہے پالنے والا, اے میرے مولا تو نے کائنات کی کائنات کو پالا ہے, تو پتھروں کے اندر بھی جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں انہیں غذا دینے والا ہے, بس میرے مولا میری مجھے حلال عطا فرما. ایک جملہ کہنا ہے بچے ہوئے رمضان کے مقدس عشرے, ایک جملہ کہنا ہے, اے میرے مولا مجھے حلال روزی عطا فرما, 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 اور دنیا بھر کے تمام تر مریضوں کے لیے ان کی شفا یابی کے لیے دعا کرنا آپ کا فریضہ ہے, خواہ اس کا مذہب کوئی بھی ہو. گستاخ رسول کی ہدایت کے لیے دعا کریں, مریضوں کے لیے دعا کریں کہ پروردگار عالم ان سارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے اور نیک بنائے. میں بہت شکرگزار ہوں حضور سیدی اشعث صاحب سجادہ خانقاہ قادریہ فریدیہ نوریہ یا شریف کے شیخ حضور بابو محمد سعیدین شاہ صاحب قبلہ کی بارگاہ میں موتی کرنا چاہتا ہوں, یاد ان کے شہزادے شیخ سعیدین میاں شاہ صاحب قبلہ کے اشارے پر آپ کے قدموں میں آنے کا اور ناظرین کے سائے میں ٹھہرنے کا ایک گھنٹہ موقع ملا. میں اجازت چاہتا ہوں, میں بیٹھا ہوا ہوں میاں حضور, اور میری اپنی گزارش ہے کہ محترم زمن صاحب موجود ہیں اور محترم ہمارے موبائل کی بیٹری تھوڑا کم ہے, مجھے موقع دے دیں پہلے تو مہربانی. میں جی بہت بہت شکریہ, یہ اچھی انہوں نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا, تو میں زمن بھائی آپ سے معذرت چاہتا ہوں, میں گزارش کرتا ہوں مظفر صاحب قبلہ سے میاں حضور کی اجازت لے کر کے, حضور سیدین میاں شاہ صاحب قبلہ سے اجازت لے کر کے, حضور اجازت دیجیے تو ہم لوگ اس کلام کو پہلے کریں جو کلام ہے. آواز میرے پاس جلد نہیں پہنچ پاتی ہے, تھوڑا لیٹ سے پہنچتی ہے, اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں حضور, اجازت مظفر بھائی آپ میری خواہش ہے, میرے چچا ہیں محترم واصل صاحب اور آپ سب کی خواہش ہے ڈاکٹر صاحب وغیرہ کی, آپ اس کلام کو پڑھیں, اس کلام کے بول ہیں پیام آخری. جی حضرت بالکل بسم اللہ آمین. ناظرین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ دیکھ رہے ہیں کہ سفر ہندوستان کے بہت بڑے مزید اور بابو حاضر ہیں جی ماشاء اللہ, مہتاب بھائی شکریہ مہتاب, حشر میں یہ میرے دوست بس یہی
शायद क्लीन नहीं है, जिसकी वजह से स्क्रीन पर बहुत से नाजरीन के अकवाल इस तरीके से रकम है लिखे हुए हैं कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है।
तो अगर कहीं जो आपके हाथ में जो माइक है बगैर उसके एक मरतबे ट्राई करके देखें आप, मतले के बाद वाला शेर फिर से पढ़ें बगैर माइक के, बहुत खूबसूरत आवाज शायद मिल सकती है। बहुत सलीके से आप पढ़ते हैं और बहुत सलीके से पढ़ रहे हैं, और मैं मियां से गुजारिश करूंगा ये वो कलाम है जिस कलाम के लिए जितनी आवाज बेहतर हो आप फराहम फरमाएं। जी पढ़े बगैर माइक पढ़ता। नाजरीन आपसे गुजारिश है कि बड़ी हस्तियां अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रीन पर मौजूद हैं, और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप शेयर करें ताकि इस कलाम को तमाम आशिकाने रसूल तक पहुंच जाए और सुने सुनकर इबरत हासिल करें। मुलाजा फरमाए हुक्म की तामील करते हुए आसिफ रजा सेखी साहब, जो कि मोहताज तारुफ नहीं है, हिंदुस्तान के बहुत बड़े नकीब तशरीफ फरमा है, उनका हुक्म है। मैं बगैर माइक का पढ़ता हूँ। मुलाजा फरमाए कि मुझको नहीं लाके पहना दिए कफन, रो चुके मिल के माँ बाप भाई बहन, कि मौत भी दोस्तों आज हैरत में है, हो चुका एतमाम आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। ये शेर काबिले गौर है, मुलाजा करें जी, नवाजी से पढ़ते रहे। मुझको जेर जमीन लोग दफना चले, मुझको जेर जमीन यार दफना चले, किस कदर संग दिल हो कि फरमा चले, कि दोस्तों चैन की नींद सोते रहो, बस यही है मकाम आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। आखिरी शेर मुलाकात करें, दुनिया से जो जा चुके हैं बजाहिर दुनिया वालों से मुखातिब होकर वो क्या कहता है, मुलाजा फरमाए कि मत बन तू अनजान आखिर मौत है, कहता है रहमान आखिर मौत है, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, अरे दुनिया बनी है जब से लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई मिट्टी में सब समाए, ये आलिशान बंगले कुछ काम के नहीं है, मखमल पे सोने वालों मिट्टी में सो रहे हैं, शाहो गदा वहां सब एक हो रहे हैं, अरे दोनों सुए बराबर ये मौत का असर है, कि कैसी दुनिया है मुर्शिद ग़ज़ब रे ग़ज़ब, कैसी दुनिया है मुर्शिद ग़ज़ब रे ग़ज़ब, चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब,
अरे जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो पढ़ लेना कुछ कलाम आखिरी आखिरी अलविदा अलविदा दोस्तों मैं चला अलविदा अलविदा दोस्तों मैं चला हो चुका मेरा काम आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्त तो हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्त तो माशाल्लाह बहुत खूब बहुत खूब बहुत अच्छे। अब्दुल जलील बुरहानपुरी ने एक बात कही थी मुजफ्फर भाई तालिबे सुबह तरब मेरे हैं जिसको मेरी है तलब मेरे हैं सब ये कहते हैं हमारी जमी और जमी कहती है सब मेरे हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह बेशक बेशक हजरत मूसा अलैहि सलातो वस्सलाम से की बारगाह में दो लोग आए के दो दावेदार दो दावेदार एक ने कहा ये मेरी है एक ने कहा ये मूसा अलैहिस सलाम की बारगाह में आए तो फरमाया क्या बात है तो एक ने कहा कि हुजूर ये जो शख्स है ना मेरी जमीन पे कब्जा करना चाहता है जमीन मेरी है कहता है मेरी है उसने कहा नहीं हुजूर वो मेरी है ये कहता है मेरी है। मूसा अलैहिस सलाम कहते हैं मैं से क्यों पूछूं मैं जमीन ही से पूछ लूंगा तू किसकी है हाय 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 अल्लाह अल्लाह किसकी है। मूसा अलैहि सलाम के पास गए और कहा ये बता तू किसकी है तो उस जमीन से आप गई न मैं इसकी हूँ न इसकी हूँ ये दोनों मेरे हैं क्या इसके पास जाऊंगी ये दोनों को मेरे पास आना है। रही बात मूसा अलैहि सलाम आपने पूछा कि मैं किसकी हूँ तो बता दो जो खुदा का है मैं उसकी हूँ। अल्लाह नेटवर्क के जरिए से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक मुकद्दस बारगाह के तवस्सुल से एक मुकद्दस कलाम को समाप्त करने का शरफ हासिल हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि अगर मैं करीब होता तो आपके पैरों में बैठकर गुजारिश करता कि आप इस कलाम को और पढ़ दें और आपकी बड़कपन है ये आपकी बड़कपन अल्लाह आपको सलामत रखे उम्र में बरकतें अता फरमाए आपके अल्लाह ताला आपकी जरूरत है कौम को हजरत अल्लाह मुझे हिदायत दे बारगाहों के फैज़ व बरकात को आम रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा सिप्तैन मियां शाह साहब किबला से अगर मुजफ्फर साहब किबला से कोई और कलाम आप सुनना चाहते हैं तो आपको इजाजत है। हजरत हमारे मोबाइल की बैटरी बहुत जल्द स्विच ऑफ पे चली जाएगी शायद ऐसा लग रहा है तो अगर आप इजाजत दे तो मैं गुजारिश करूं मोहतरम जमन साहब के बिला से। जी जी इरशाद इरशाद बढ़ा लें पर भाई जब तक आपकी बैटरी सलामत है आप मेरे सामने सलामत रहेंगे इंशाल्लाह। जी रहूंगा इंशाल्लाह। जी हजरत बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। आप हुजूर का जिक्र करते हैं आमीन भाई मेहताब साहब इस कलाम को फिर सुनना चाहते हैं इंशाल्लाह जरूर पढ़ेंगे किसी न किसी मौके पर। मैं दुआ करता हूँ ये डॉक्टर ताबिश भाई मौजूद हैं इस वक्त मेहताब साहब वगैरह अल्लाह सब पर करम फरमाए। जी मोहतरम जमन कलकत्तवी साहब मोहतरम सोहेब कलकत्तवी के नाम से मशहूर थे और फिर हुजूर की नात की बड़ी सारी कैसेट्स के घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई थी इनके बुजुर्गों ने और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कामयाब हुए। जनाब बिस्मिल भागलपुरी साहब को मोहतरम सज्जाद निजामी साहब कुबला को जनाब हुनर पलामी साहब कुबला को और शम्स हबीबी इलाहाबादी जैसे अजीम शोरा को अजीम लहजे के मालिकान को
जो इस दुनिया में ना रहे अब आजहानी हो गए। मैं उन्हें अक्सर देखा है कि उनके नाम बहुत सारी सीडी लेकर के मोहतरम जमन साहब बुजुर्गों के इरास में नजर आए और उसे बहुत हल्की सी कीमत पे तकसीम करते रहे। वजह पूछी गई तो कहने लगे बस हुजूर की नाप घर घर पहुंच जाए, यही मेरा मकसद है। आज वो खुद बहुत अच्छे शायर के तौर पर नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छी आवाज पाई है। मैं गुजारिश करता हूं कि अपनी शायरी का भी इस्तेमाल करें और अपनी अच्छी आवाज का भी इस्तेमाल करें। और सामईन से नाजरीन से मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ, यही वो लहजा है जिसकी कोशिश की वजह से आज मैं इस खान का है फरीदिया नूर नबी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जजाकल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, वो हुजूर नूर नबी शाह साहब किबला चांदपुर फतेह शरीफ मौजूद है क्या? जी 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 जी, मैं सलाम नियाज पेश करता हूँ। ये तो इनका तो भाई पीर खाना है, ये दादा पीर की बारगाह है माशाल्लाह। जी जी, आपसे दादा पीर की बारगाह है माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उनका सिलसिला सुरकाही शरीफ और सुरकाही शरीफ के शेख हैं अल्हम्दुलिल्लाह जुगियापुर शरीफ में, जुगिया शरीफ में। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा, मियां हुजूर की आमद आमद हुई है। आप दुआ फरमाएं, इजाजत दें, मोहतरम जमन कलकत्तवी से खूबसूरत नात समाप्त करें। जी बिस्मिल्लाह। जी जी, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بلا تاخیر باوجہ کل ہم کر درود پاک ہادیہ پیش کر لیا حضرات۔ اللهم صل علی سیدنا محمد مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقیب الہند حضرت مولانا آصف رضا صاحب حضرت قبلا، میں چند شعر وہ شعر ہی صحیح میں چاہتا ہوں ہم سے شاید وہ جو آپ کے ہاتھ میں مائک ہے اس کی وجہ سے آواز کے بکھرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ کچھ لمحے کے لیے آپ دیکھیے گا، اگر وہ آواز زیادہ پھیلتی نظر آئے تو غیر مائک کوشش کیجیے گا، جو بہتر لگے ماشاء اللہ۔ محترم راشد رضا راشد مرکزی ماشاء اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضری ہو گئی، بہت بہت شکریہ، بھی ہو گئی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ قمر بھائی جیسے دوستوں تک پہنچانے والے۔ محترم راشد رضا راشد مرکزی بہت اچھی آواز کے مالک موجود ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ تمہارے سبحان اللہ، زمین و سما تمہارے مکین و مکان تمہارے، چنین و چنو تمہارے بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ شیر پیش کر رہا ہوں ملے دو فرمائیں، دیکھ
मगर माइक का पढ़े हजरत कमेंट कर रहे हैं कि बेहतर माइक का पढ़े ज़ुहेब भाई पहले बार हेडफोन लगा कर नहीं है हजरत हेडफोन लगा कर नहीं है शायद मांगे तुमका चाहता है अल्लाह अल्लाह आइए हसी रत की घटा है मांगे तुमका चाहता है छाई गए मागे दमदा चाहता है छाई गड़ के सीने मागे दमदा चाहता है छाई गड़ के सीने और ये भी शेर बरकत कमलीना आएगा फिर ताश रहमती और बरकत कमलीना आएगा फिर ताश दे मेरे मारे आग लगी गई दे मेरे मारे आग लगी गई अरे मांगे दम तो चाहता है दे मेरे मारे आग लगी गई तो चाहता है आइए आसिफ भाई की बातें आप बगैर माइक के आसिफ भाई कुछ कह रहे हैं बगैर माइक के बगैर माइक के पढ़े जी जी माइक का इस्तेमाल ना करें जी 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 बिस्मिल्लाह तेरी और ये फोटार की बरकत अब हम कैसे पाएंगे अफसोस की बात है हजरत 20% अब बैटरी हमारी शायद हमारी बहुत कमाल नसीबी हजरत की आपके बारगाह से जुदा कर रही है बैटरी अभी है जब तक नहीं जब तक बैटरी ना स्विच ऑफ हो जाए इंशाल्लाह माशाल्लाह दिल दिए गए मांगे रमजा चाहता है अल्लाह दिले गए मांगे रमजा चाहता है आइए हंसे सत्य शरीर
जी नवाज इरशाद इरशाद मलाइका गम से माए कदम दे दी और गम से माए कदम दे मागे चाहता अल्लाह 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 गे मागे दम चाहता है सोते सीते कितनी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया जोएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका वो मैं देख रहा था कि स्क्रीन पर बहुत सारे दरबार के बाबिस्तगान बहुत सारी जो तासुरात की किरणें थी स्क्रीन की पेशानी पर नजर आ रही थी बिलखसूस खानवादे फरीदिया की तरफ से बिलखसूस मखदूमी हरमैन फरीदी शाह साहब किबला मखदूमी शौकीन फरीदी शाह साहब किबला की तरफ से तमामी नाजरीन को और तमामी बात के सामईन को ढेर सारी मुबारकबादियाँ मौसूल हो रही हैं तो मैं बहुत बहुत गुजारिश करता हूँ बहुत बहुत गुजारिश के साथ मैं चाहता हूँ कि अब वक्त भी ज्यादा हो रहा है और इंशाल्लाह बारगाह हाजरी के लिए दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व ताला हम फजल फरमाए मुलाकात होगी आपसे मुजफ्फर साहब से सगीदी मखदूमी सिप्तेन फरीदी साहब से जी जमन भाई क्या कह रहे हैं कह रहा हूँ कि मोहतरम आसिफ रजा साहब कुबला की खाकसारी को सलाम करता हूँ भाई आज हजरत मौलाना आसिफ रजा सैफी साहब कुबला को सलामत रखे सरकारों के सदके आप सब मुझे सच्ची तौबा की तौफीक बस मियां हुजूर एक गुजारिश में ये कर रहा था एक गुजारिश में एक शेयर कर रहा था भाई जमन साहब है मुजफ्फर साहब है एक बड़ी बारगाह है बड़ा दरबार है मैं 6-7 दिन से अभी कर रहा था अभी दोपहर में भी हुजूर सगरी सरकार गुलजार मियां शाह साहब किबला थे और सगरी अब्दुल वसीम मियां शाह और अजीब तकरीबन मैं बता नहीं सकता कि कितने मुल्कों के लोग ज्वाइंट थे और अभी भी ज्वाइंट है माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तो एक एक थोड़ी सी परेशानी सामने है उसे नाजरीन भी समझ लें उसे तमाम तर लोग भी समझ लें उसके बाद इंशाल्लाह दुआ हो जाएगी इन सरकारों की इजाजत पर परेशानी जो मुझे महसूस हो रही है वो कि मैं जरा सा फेसबुक और ये व्हाट्सअप ईमो वगैरह की तरफ माइल नहीं रहता बहुत छोटा सा मोबाइल लगता हूँ और इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मैं अपने भतीजों का मरहूने मिन्नत हूँ जो बेचारे ये महफिल सजाते हैं और फिर मैं आपके कदम समझ रहे मुझे पसंद नहीं है इस वक्त इस किस्म की जमाने की रंगीनियां मैं अक्सर अभी मुझे देखने को मिला कि वो तस्वीर के साथ में बहुत सारे दावतनामे मियां हुजूर शाये हो रहे हैं तो मुझे डर इस बात का है खौफ इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्तों में जब हुजूर के जिक्र की महफिल सजे मिंबर रसूल अलैहिस्सलाम पर फिर नात के नगमे गूंजे हुजूर के जिक्र की अलम बलत हो तो कहीं डर इस बात का कि कहीं पोस्टरों में लोगों की तस्वीर के साथ में शिरकत का ऐलान न शाये होने लगे तो करीब करीब जिनको स्क्रीन पर आना है मियां हुजूर उनकी बातें लोग सुनते हैं फिर कमेंट्स करते हैं उनको देखते हैं फिर अपने तासुरात लिखते हैं मैं ये समझता हूँ कि अगर तस्वीर को हटा करके मियां हुजूर मियां शाह साहब किबला मौजूद हैं और कदम बोसी करता हूँ साहिब सज्जादा की तरफ से भी अभी जितने भी चैनल चल रहे हैं शहबाजिया हो या रशीदी चैनल हो या हबीबुल्ला फैजी ऑफिशियल ग्रुप हो या इकरा इस्लामिक मिशन हो या मैं आज अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और
मैं सबको सलाम पेश करता हूं अपनी तरफ से, क्योंकि मेरी बैटरी बिल्कुल 1% है, शायद मैं आप लोगों से जुदा हो जा होने वाला हूं। हरमैन फरीद साहब को बहुत बहुत शुक्रिया, सितैन फरीद साहब को। तो मियां मैं ये बता रहा था हुजूर, सितैन मियां शाह साहब क़िबला है, कि अभी मैं कल था एक नागौर शरीफ का चैनल था, तिरंगा स्टूडियो में था, फिर फतेहपुर में था, मखदूमिया चैनल पे था। बस मुझे कोई भी हुजूर के जिक्र के लिए कहीं भी किडनैप कर सकता है और मुझे खुशी होती है हुजूर के जिक्र के लिए। लेकिन अगर मियां हुजूर शेख मोहतरम से बात करें, सगेदी से बात कर लें, बारगाह के साहिब सजादत साहब हुजूर से बात कर लें, तमाम तर चैनल के लोग अगर ये कदम उठा लें कि दावत नामा जो शाये करें अपने अपने चैनल के फेसबुक के जरिए से, उनमें जो है तस्वीर को शामिल ना किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़े से इख्तलाफात का अंदेशा है और थोड़ी सी दुश्वारी है, बदनज़मी का भी अंदेशा है, और अपने बुजुर्गों के मसले को मशरब से कहीं हटने का इल्ज़ाम न लग जाए। रही बात कि इस किस्म की तकारीब के लिए, तो आप यकीन करें कि मैं दिल से हमा वक्त इसमें कोशा रहता हूँ और मैं थक जाता हूँ इतनी ज्यादा महफिलों में शिरकत करने की वजह से, लेकिन दिल बड़ा खुश होता है मियां हुजूर कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि आज जब दो चार महीने तक क्या हुजूर के जिक्र की महफिल नहीं सजेगी, तो क्या मेरे आका की नाते नहीं पढ़ी जाएंगी, क्या मदीने वाले आका के कौल बयान नहीं किए जाएंगे, क्या हुजूर के नाम पर किसी की आंख से आंसू नहीं निकलेंगे। अल्लाह ने करम किया है, मैं ये समझता हूँ कि ऑनलाइन फेसबुक ग्रुप के जरिए से इस मुकद्दस बारगाह से भी ये पैगाम नशर हो रहा है। अगर दावत नामों में हुजूर सगदी सितैन मियां शाह मौजूद हैं, अगर दावत नामों से तस्वीरें लोगों की हटा दी जाए दावत नामों से, तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह इस और इखलास के साथ में लोग शामिल रहेंगे, और अगर खुदा न खास्ता किसी भी इख्तलाफी मजालिस में हमारे वो शोरा वो खुतबा शरीक सफर हुए और उनको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना करना पड़ा, तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि दुश्वारी हो जाए। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप सब की तरफ से माशाअल्लाह की दुआ फरमाएं। मोहतरम रिजवान रजा कादरी साहब क़िबला एक मैसेज दे रहे हैं कि सरकार गौसे आजम के वास्ते आप वो शेर बोल दें, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है। मैं रिजवान भाई मैं पढ़ दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपकी बात है, मैं सर आंखों पर मैं पढ़ दूंगा, लेकिन कल का इंतजार करें, कल का इंतजार करें। मैं अभी मियां हुजूर से कुछ अपनी गुनाहों की बोझ तो भाई करना चाहता हूँ। मियां हुजूर सही है कि नहीं, अगर नाजरीन को हम दावत दें आइए शरीक हो जाइए, शोरा और खुतबा की आमद आमद हो रही है, उनमें तस्वीर का इस्तेमाल ना करें, तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी बरकतें हुजूर शौकीन फरीदी मियां शाह साहब क़िबला और हुजूर हरमैन फरीदी मियां शाह साहब क़िबला जरूर मेरे बात की तायद करेंगे, और दुनिया के हिंदुस्तान के तमाम तर चैनल वालों को भी इस बात का को कबूल करने में जरा सी दिक्कत भी नहीं होगी। हाँ ये बात सही है, करीब करीब सबको लोग जानते हैं, सारे शोरा को खुतबा को पहचानते हैं, क्यों ना ये कदम हमारी ये मुकद्दस खानका जो मसलकी और मशरबी एतबार से मेरे इमाम के अकवाल की पैरोकार है, आइए मैं ये चाहता हूँ। और मियाँ हुजूर बड़ी खुशी हुई, ये बात मैंने अपनी तरफ से कह दी, माजरत चाहता हूँ, आप अपनी खानकाह में मेरी हाजिरी के लिए कब दुआ कर रहे हैं? जी हुजूर बोले छोटे भाई हैं उनाज शरीफ करेंगे। हाँ माशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई, हुजूर साहिब सज्जादा के शहजादे का हुक्म है कि मेरे छोटे भाई तशरीफ ला रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उनका ये चैनल माशाल्लाह फरीदी साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, वो क्या उनके लिए क्या है इजाजत लेना, सब कुछ उन्हीं का है, घर उनका है, दर उनका है, जमीन उनकी है, आसमान उनके जद्दे करीम का है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मियां हुजूर करम फरमाए माशाल्लाह। जी शुरू है बोलना तो शुरू होने के लिए दुरूद पाक पर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अब्दुल्लाह या कलाम रजा के चंद शेर आपकी समाप्त के हवाले कर रहा हूँ। राजा फरमा फिर के गली गली तबाह ठोकर सब की खाए क्यों, फिर के गली गली तबाह वो कर सब खाए क्यों, फिर के गली गली तबाह
ठोकर सब की खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा, दिल को जो अकल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों, फिर के गली गली तबा, ठोकर सब की खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों, रुखसत काफ़िला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, रुखसत काफ़िला शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते गए उनके साए में, सोते है उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों, फिर के गली गली तबा, ठोकर सब की खाए क्यों, को जो अकल दे खुदा, दिल को जो अकल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों, और जाने गई इश्क मुस्तफा, रोजे फौजा करे खुदा, जाने गई इश्क मुस्तफा, रोजे फौजा करे खुदा, जिसको दर्द का मजा, जिसको वो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों, जिसको वो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबा, ठोकर सब की खाए क्यों, और मक्का मदीना जी माशाल्लाह रिजवान है तो रजा, है तो रजा मेरा सितम, जुर्म पर गर लजाए हम, है तो रजा निरा सितम, जुर्म पे गर लजाए हम, कोई बजा ए सोजे गम, कोई बजा ए सोजे गम, साजे तरब बजाए क्यों, फिर के गली गली तबा, ठोकर सब की खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा, दिल को जो अकल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मियां हुजूर, बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दुआ फरमा दें मियाँ, दुआ फरमा दें, इजाजत दे दें इंशाल्लाह। जी दुआ आप फरमा, नहीं नहीं आप फरमाए, आपका दरबार है, आपके जद्द करीम की बार, आप दुआ फरमा, पहली मुलाकात है आपसे, दुआ फरमा दें आप, इजाजत है आसिफ भाई, दुआ फरमा दें आप। اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا نورك محمد وعترته وبارك وسلم بعدد كل معلوم لك يا الله جو محبتوں کی محفل سجی ہے میرے مولا اس میں اخلاص عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کے لائق میرے مولا میری زبان بنا میرے قلب و جگر کو بنا دے اے میرے مولا میری آنکھوں کو مسلمان بنا دے میری سماعتوں کو مسلمان بنا دے میرے قلب و شعور کو فکر کو مسلمان بنا دے اے میرے مولا میرے دست بازو کو مسلمان بنا دے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے لیے اے میرے مولا
وہ صاف اور غیبت سے محفوظ دل عطا فرما دے. اے میرے مولا خاص طور سے کرم فرما پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نالین شریف کی برکتوں سے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نالین شریف کی برکتوں سے اے میرے مولا خاص طور سے ہم سب پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرما. حضرات اس وقت حضور بارگاہ غوث اعظم سے ایک فون آ گیا ہے, میں اس لیے اپنی دعا کو ذرا سا یہیں پر روک رہا ہوں. اور الحمدللہ رب العالمین حضور سرکار غوث العظم کی بارگاہ میں تصویر دکھاؤں گا انشاءاللہ, بابو شیخ کے اندر ہیں شیخ حسن بصری شاہ صاحب قبلہ غوث پاک کے خادم ہیں, ان کا فون آ رہا ہے اس لیے میں نے الحمدللہ. سوڈان کے رہنے والے, السلام علیکم شیخ جی. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ہیں اس وقت, آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. شیخی کیف حالک؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء یہ غوث پاک کی لائبریری ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں. کل انشاء اللہ العظیم رشیدی چینل پر انشاء اللہ شیخ تشریف لائیں گے اور بچپن سے پیدائش مبارکہ انشاء اللہ العظیم آپ کی ہوئی ہے ماشاء اللہ. حضور غوث پاک کی لائبریری میں اس وقت ان کا قیام ہے انشاء اللہ العظیم, کل یہ رشیدی چینل پہ تشریف لائیں گے. میں ایک منٹ بات کرتا ہوں میاں حضور. میاں شیخی شیخی انشاء اللہ کلام بس عشر دقیقہ انشاء اللہ اجازہ. شکر جزاک اللہ. الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. حضرات شاید اس بارگاہ کی مقبولیت کا اثر ہے کہ بابو شیخ سے فون آیا حضور غوث پاک کی بارگاہ سے. ان کے والد صاحب شیخ محمد یحییٰ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوڈان کے رہنے والے تھے, جن کا گزشتہ سال تقریباً 14 رمضان شریف کو انتقال ہوا تھا اور یہ ان کے سالانہ عرس کی پہلی تقریب تھی. یہ ان کے بیٹے ہیں, کافی طبیعت ان کی اس وقت خراب ہے, ابھی یہ ہاسپٹل سے آ رہے ہیں, کل بھی گئے تھے اور پرسوں بھی گئے تھے. اور کل انشاءاللہ میں نے ان کی زیارت کے لیے بابو شیخ کی زیارت کے لیے, مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ اسکرین کے ذریعے سے اس طریقے سے تصویریں آتی ہیں, ورنہ میں آج لاتا, لیکن آ گئے ماشاء اللہ, بڑے کرم کی بات ہے, بڑے کرم کی بات ہے. اس دربار کی قبولیت بھی ظاہر ہو گئی, دعا کرے کہ اللہ غوث پاک کے دربار کی جہاں پر یہ ہیں اس دربار کی ہمیں بھی زیارت کا شرف عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور غوث العظم کے اجداد کی محبتیں عطا فرمائے, حضور غوث العظم کے امجاد کی محبتیں عطا فرمائے. دعا کرو کہ جتنے لوگ ناظرین اور سامعین کے طور پر ہیں یا بعد میں ہوں گے, اللہ ان سب کو حضور غوث اعظم کے دربار کا فقیر بنائے, دربار غوث اعظم کا جارو کش بنائے, باب المراد کی زیارت کرائے, بابو شیخ کی زیارت کرائے, باب جیلا کی زیارت کرائے, مرقد جیلا کی زیارت کرائے, مرقد غزالی کی زیارت کرائے, بابو شیخ کے قریب سے گزرنے والے مسافر کے طفیل میں تمام تر ناظرین پر کرم فرمائے, ملک بیرون ملک وائرس کے ذریعے سے دم توڑنے والوں پر کرم فرمائے, چیختے ہوئے بلکتے ہوئے روتے ہوئے بچوں پر کرم فرمائے, اجڑے ہوئے آشیانوں پر کرم فرمائے. اے میرے مولا خانقاہ فریدیہ کے در و بام کی برکتیں ظاہر فرما دے, اس دربار گوہر بار کے طفیل میں ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما, ہمارے قلب و جگر کو حسد اور غیبت سے پاک فرما دے, روزانہ اپنی بارگاہ میں کم سے کم حضور غوث اعظم کے قول کے مطابق جب تک یہ وائرس ہے 70 مرتبہ الحمد شریف کا ورد ایک بیٹھک میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے میرے مولا مجھے غیبت سے بچا, مجھے حسد سے بچا, مجھے تمام تر لگائی بجھائی کی محافل سے بچا, تمام تر بے ہنگم آوازوں سے بچا, فحش مناظر سے ہماری آنکھوں کو پاک فرما دے. دعا فرمائے خاص طور سے جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے, اللہ اس دربار گوہر بار خانقاہ فریدیہ کے تمام تر سرکاروں کو سلامت رکھے, چھوٹی بڑی عمروں کے تمام تر مالکان پر کرم فرمائے, ان کا سایہ دراز فرمائے اور ان کے سائے کے شجرہائے نور کے سائے میں ہم سب کو آرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مجھے بھی اس دربار کی حاضری کا شرف عطا فرمائے, اس دربار کے طفیل میں ملک کے ہندوستان پر خاص کرم فرمائے. جن لوگوں نے شرکت کی ہے سلام و دعا کے حوالے سے ان سب پر صاحب بارگاہ کی نگاہ عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نور کا محمد و عطرته و بارک وسلم بعدد کل معلوم لک برحمتک یا رحم الراحمین. اقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں حضور معذرت چاہتا ہوں, میں کوئی خطیب نہیں ہوں جس کے لیے آپ نے مجھے بلایا, آپ کی محبت ہے, آپ کا احسان ہے کہ آپ نے نثری گفتگو کے لیے مجھے آواز. جی آپ کی محبت و سلام بڑے بھائی, بہت کافی وقت دیا آپ نے بزرگوں کے لیے اور
इंशाल्लाह बस आप कर्म फरमा दें तो इस मरतबे आपकी हाजिरी, इस मरतबे हाजिरी का शर्फ हासिल हो जाए, मतलब इस मरतबे उर्से महमूदी तैयबी नूरी में अगर आप तो बड़ी इनायत होगी आपकी इंशाल्लाह। आप दुआ फरमाए, अल्लाह सूरतें पैदा फरमाए, मुल्क के हर शख्स को आजादी के साथ टहलने की भी इजाजत मिल जाए। जोहेब भाई ये जो बहुत करीब, बहुत करीब से इसको आप लीड लगा करके बात करते हैं ना, शायद इससे भी कुछ आवाज, जितनी गैपिंग है ना काफी है माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप। दुआ फरमाए मैं हुजूर, मेरे लिए कोई हुक्म हो कुछ बोल रहे हैं हजरत सिप्तान भाई, हजरत कुछ फरमा रहे हैं सिप्तान भाई, आवाज मिल रही है आपको? दुआ फरमाए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। सलाम अलैकुम दरबार में सलाम पेश करें बच्चों की तरफ से इंशाल्लाह, वाली साहब क़िबला की बारगाह में सलाम पेश कीजिएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।